नमस्कार, माँ की रसोई में आपका स्वागत है। मैं ममता शर्मा आज बनाने जा रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए। बैंगन एक, पिसा प्याज 2 से 3 चम्मच, टमाटर प्यूरी आधा कप, कद्दूकस किया अदरक 1 चम्मच, कटी हरी मिर्च 3 से 4, मटर आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चम्मच या स्वाद अनुसार, पिसा धनिया 1 चम्मच, भुना जीरा 1 चम्मच, पिसी सौंफ 1 चम्मच, लौंग 3 से 4 नग, गरम मसाला आधा चम्मच, चीनी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर आधा चम्मच, जीरा 1 चम्मच, पिसी इलायची 1/4 चम्मच, कटा हरा धनिया 1 चम्मच, हींग 1/4 चम्मच, दालचीनी का टुकड़ा 2, छौंके के लिए तेल 5 से 6 चम्मच, पानी आवश्यकता अनुसार। सबसे पहले हथेली पर तेल लेंगे और बैंगन के चारों ओर लगा देंगे। अब गैस जलाएंगे और बैंगन को हिलाते हुए चारों तरफ से भून लेंगे। अब एक प्लेट में बैंगन को निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। बैंगन को छील लेंगे और डंठल से अलग कर देंगे। अब एक कटोरे में पानी लेंगे और छिले हुए बैंगन को पानी में डालकर धो लेंगे ताकि जला हुआ छिलका अलग हो जाए। अब एक कटोरे में छिले हुए बैंगन को लेंगे और मैश कर लेंगे। गैस जलाएंगे और कढ़ाई में तेल डालकर गरम करेंगे। अब इसमें दालचीनी, लौंग, जीरा, हींग, हरी मिर्च, प्याज डालकर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आप इसमें लहसुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें अदरक, हल्दी, धनिया, सौंफ, नमक स्वाद अनुसार, पिसी लाल मिर्च स्वाद अनुसार डालकर 30 सेकंड के लिए भून लेंगे। अब इसमें टमाटर प्यूरी डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे और बटर डालेंगे और एक बार फिर से चलाएंगे। अब ढक्कन लगाकर 1 से 2 मिनट पकाएंगे। अब ढक्कन उतारेंगे और मिश्रण को चलाएंगे। मैश किया हुआ बैंगन डाल देंगे और मिश्रण में मिलाएंगे। अब 1 कप पानी डालेंगे और एक बार फिर से सामग्री को चलाएंगे। अब इसमें चीनी, अमचूर, भुना जीरा, इलायची, गरम मसाला डालकर सामग्री को चलाएंगे। अब ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट पकाएंगे। अब सामग्री को चलाएंगे और गैस को बंद कर देंगे। सब्जी को एक कटोरे में निकालेंगे और हरे धनिए से सजाकर गर्मा गर्म चावल पराठा पूड़ी के साथ परोसेंगे। आप इसमें रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताएं, और यदि आपका कोई सवाल है तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल की सदस्यता अवश्य लें, यानी कि सब्सक्राइब करें। इस विधि को आप हमारी वेबसाइट maankirasoi.net पर भी पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक और नए व्यंजन के साथ। धन्यवाद।